दोस्तों अनुहासयो। दोस्तों एक आर्मी होने के नाते और एक ब्लिंक होने के नाते आप सभी के मन में हमेशा से ये सवाल रहता होगा, क्योंकि बहुत ही सारे लोग ब्लैक पिंक और BTS को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैलाते रहते हैं। तो हर कोई जानना चाहता है कि एक्चुअल में ब्लैक पिंक BTS के बारे में क्या सोचती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब एक बार ब्लैक पिंक से पूछा गया था कि वो आखिर BTS के बारे में क्या सोचती हैं, तो उनका क्या जवाब था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों 2019 में जब ब्लैक पिंक अपने US कॉन्सर्ट के लिए गए हुए थे, वहाँ पर उनकी काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल हुई थी। और दोस्तों ऐसी ही एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ ब्लैक पिंक के मेंबर से पूछा गया था कि उनके ओपिनियन में BTS कैसे लगते हैं या फिर वो BTS के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों एक्चुअली ब्लैक पिंक जब रात को डिनर के लिए जा रहे थे, तब काफ़ी सारे मीडिया के मेंबर्स उनके पीछे पड़े हुए थे। और ऐसे में ही एक मीडिया के रिपोर्टर्स ने ब्लैक पिंक से पूछा था कि क्या वो BTS को पसंद करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि BTS को लेकर ब्लैक पिंक के मेंबर्स का क्या कहना है। हालांकि दोस्तों काफ़ी सारे फैंस इस चीज़ को देखकर शॉक हो गए कि इस सवाल को सुनने के बाद ब्लैक पिंक के सभी मेंबर्स ने उस मीडिया रिपोर्टर को इग्नोर कर दिया और कुछ भी जवाब नहीं दिया, और बिना जवाब दिए ही वो रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। हालांकि दोस्तों जब ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखी तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक पिंक BTS को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एक्चुअली ब्लैक पिंक या फिर BTS दिन भर जहां भी जाते हैं हमेशा उनके पीछे रिपोर्टर्स रहते ही हैं, और ऐसे में हमेशा रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दे देकर वो खुद भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ शायद ब्लैक पिंक को ऐसा लगा होगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उन पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो हो ही जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने उस क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दिया। दोस्तों इसके साथ साथ BTS के मेंबर्स या फिर ब्लैक पिंक के मेंबर्स जब भी प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं या फिर प्रोफेशनल इंटरव्यूज में जाते हैं, तब ही वो ऐसे किसी टॉपिक का जवाब देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी कंपनी के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो जो भी बोलते हैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, उन्हें पता होता है कि कौन उन्हें देख रहा है। हालांकि दोस्तों क्योंकि उस समय ब्लैक पिंक के मेंबर्स अपने प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं थी और वो यूं ही रेस्टोरेंट में जा रही थी, चारों मेंबर्स एक साथ जा रही थी, इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि अपनी कंपनी के मेंबर्स के बिना होते हुए वो ऐसे किसी टॉपिक पर कोई भी जवाब नहीं दे सकती जिस पर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रेज होने के बहुत ही सारे चांसेस हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्लैक पिंक को BTS पसंद नहीं है। दोस्तों दोनों ही आर्टिस्ट एक दूसरे के टैलेंट के बारे में जानते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि शायद जब कैमरे के सामने इतने सारे सवाल उनके सामने आ रहे थे तो उन्हें लगा होगा कि ऐसे में कोई भी जवाब देना बिल्कुल भी सही नहीं होता। हालांकि दोस्तों काफ़ी बार देखा जा सकता है कि ब्लैक पिंक के मेंबर्स भी BTS के सॉन्ग सुनते हैं, और यहां तक कि BTS के मेंबर्स भी ब्लैक पिंक के सॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों ही मेंबर्स एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और शायद एक दूसरे के गानों के और टैलेंट के फ़ैन भी हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए और हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।